स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण अथवा विशेषताएं। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है और विद्युत रासायनिक श्रेणी को किस प्रकार बनाया जाता है, ये मैंने जस्ट पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया था। तो आज का हमारा विषय रहेगा बच्चों, विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण अथवा विशेषताएं क्या होती हैं। स्टैंड आपको बताता चलूँ कि ये टॉपिक जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादातर ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता रहता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो लेक्चर की। तो देखिए स्टैंड, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी जो मैंने कल भी आपको समझाई थी और आज भी मैंने इट इज़ बिल्कुल ऐसे ही स्क्रीन पर लिख रखी है। ठीक है, ताकि मैं आप इसकी विशेषताएं बता सकूं तो आपको रियल फील आ सके। ठीक है, बस मैं आपको पहले देखिए मैं इसको समझा देता हूं कि ये किस प्रकार बनाई गई है। ठीक है, देखिए स्टैंड, जैसे कि मैंने कल पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया कि कुछ धातुएँ ऐसी होती हैं जो सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। ठीक है, और कुछ धातु बच्चों ऐसी होती हैं जो बहुत कठिनाई के साथ इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं और उसके बाद धनायन बनाती हैं। ठीक है, तो स्टैंड, जो धातुएं सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं वो अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं, और जो धातुएं बहुत कठिनता से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती हैं वो कम क्रियाशील धातुएं होती हैं। क्या कहा मैंने आपसे? मैंने आपसे कहा बच्चों कि जो धातुएं आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं वो अधिक क्रियाशील होती हैं, और जो धातुएं बहुत कठिनाई से इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं उसके बाद धनायन बनाती हैं वो कम क्रियाशील होती हैं। ठीक है, तो इनकी इस सक्रियता के आधार पर जब इन धातुओं को एक ऑर्डर में व्यवस्थित किया गया तो उस ऑर्डर को बच्चों हम क्या कहते हैं, उस व्यवस्था को हम कहते हैं बच्चों विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है स्टैंड, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, अच्छा अब देखिए स्टैंड, ये जो इसके सामने लिखा है ये ई नोट का मतलब बच्चों मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या बच्चों? मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है स्टैंड, तो हर धातु का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव बच्चों वो है, मैंने स्क्रीन पर लिख करके आपको समझाया है। ठीक है, अब देखिए स्टैंड, यहाँ पर समझने लायक बात यह है कि जो धातु जितनी ज़्यादा अभिक्रियाशील होगी अर्थात क्रियाशील होगी, ठीक है, उसका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव उतना ही कम होगा अर्थात माइनस का होगा। क्या कहा मैंने आपसे? जो धातु बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती है, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु कौन है, यहाँ पे लिथियम है, और इसका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है बच्चों माइनस के 3.04। देखिए याद रखना माइनस लग रहा है इसलिए वैल्यू बहुत छोटी है। ठीक है, क्योंकि अगर किसी वैल्यू के अगर माइनस लगा होता है तो वैल्यू बहुत छोटी होती है, वो जीरो से भी छोटी होती है। ठीक है, तो जितनी भी ज़्यादा यानी अधिक क्रियाशील धातु होती है बच्चों उनके जो ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉन विभव होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? नेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? नेगेटिव होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे को आएंगे, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे को आते हैं तो मैंने लिखा मानक इलेक्ट्रोड का बढ़ता हुआ, मानक इलेक्ट्रोड बढ़ता हुआ, जैसे देखो ऊपर से नीचे चल रहा है मानक इलेक्ट्रोड बढ़ रहा है। ठीक है, देखो नेगेटिव 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 नेगेटिव, और हाइड्रोजन पर आकर ये शून्य हो गया। ठीक है, और अब नीचे आएंगे तो पॉजिटिव हो गया, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्या? यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो मानक इलेक्ट्रोड के विभव में क्या होती है बच्चों? कमी होती है। ठीक है, बस में आप लोगों को जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना ज़्यादा प्लस का होगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा, वो धातु उतनी ही कम क्रियाशील होगी। जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हो Au, यानी हम सोने की अगर बात करें तो इसका जो इलेक्ट्रोड विभव है वो सबसे ज़्यादा है प्लस में, यानी धनात्मक है, सबसे ज़्यादा कितना 1.50 वोल्ट के बराबर है। ठीक है, बस में लो, तो यहाँ पर जो Au है बच्चों, जो सोना है वो आपकी इस श्रेणी की सबसे कम क्रियाशील धातु है, और जो लिथियम है जो आपकी सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, क्योंकि इसका जो विभव है तो बहुत ज़्यादा माइनस में है, इसका बहुत ज़्यादा क्या बच्चों? प्लस में है। बस में आप लोगों को ठीक है। अच्छा, आज हम बात करनी है बच्चों कि इसकी विशेषताएं क्या होती हैं बच्चों। तो बच्चों इसकी पहली विशेषता ये होती है, देखिए पहली विशेषता की अगर हम बात करें, विशेषता नंबर एक यानी पहला नंबर पर हम बात करें बच्चों, तो होता ये है बच्चों, धातुओं की क्रियाशीलता उनके मानक इलेक्ट्रोड बढ़ने पर ठीक है क्या होती है? कम होती है। यानी जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन विभव देखो बढ़ता चला रहा है तो इनकी क्रियाशीलता में क्या हो जाएगी बच्चों? कमी होगी, यानी क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम, यानी ऊपर से जब नीचे को आएंगे तो क्रियाशीलता इन्हें क्या हो जाएगी? लगातार कम होती चली जाएगी, और इनके विभव में क्या हो जाएगी? लगातार वृद्धि हो रही है, विभव में क्या हो रही है? लगातार वृद्धि हो रही है। देखो माइनस माइनस से फिर आपका जीरो आया हाइड्रोजन पर, और ये प्लस का आ गया, तो यानी पोटेंशियल बढ़ रहा है। ठीक है, पोटेंशियल बढ़ रहा है, पोटेंशियल बढ़ने पर क्या होता है बच्चों? इनकी सक्रियता क्या होती है बच्चों? इनकी क्रियाशीलता क्या होती है? वो घटती है। ठीक है, तो चलिए देखिए मैं लेकर आपको समझाता हूँ धातुओं की
क्रियाशीलता, धातुओं की क्रियाशीलता उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ने पर घटती है। ठीक है, यानी जैसे जैसे इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव में क्योंकि वृद्धि होगी, वैसे वैसे क्या हो जाएंगे बच्चों, ये कम क्रियाशील होती चली जाएंगी। ठीक है, यानी इनका जो ऑर्डर आप देख पा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है, लिथियम है, उससे कम पोटेशियम, उससे कम वेरियम, उससे कम कैल्शियम। तो जैसे जैसे हम नीचे को आएंगे, इलेक्ट्रॉन विभव में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होने के साथ साथ क्या होगा बच्चों, ये क्या होगा, ये इनकी सक्रियता घटती चली जाएगी। ठीक है, अच्छा दूसरा जो इसका लक्षण है बच्चों, दूसरा लक्षण है, दूसरी विशेषता क्या है, दूसरी विशेषता बच्चों ये है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिन धातुओं का इलेक्ट्रोड विभव यानी ई नोट का मान शून्य से कम है, यानी ई नोट जो आपका है बच्चों, ई नोट की जो वैल्यू बच्चों वो इस लेस देन जीरो है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिन धातुओं का मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान शून्य से कम है तो वह धातुएं क्या करती हैं, अम्लों से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती हैं। एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, देखिए एग्जाम्पल क्या बच्चों, देखिए मान लीजिए श्रेणी आपका ZN है यानी जिंक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जिंक का ये आ गया स्टैंड। ठीक है, फिलहाल इसकी रिएक्शन बच्चों अगर हम कराएं H2SO4 से, H2SO4 यानी एक एसिड है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, इससे रिएक्शन कराएंगे बच्चों तो क्या होगा, ये ZN H2 को विस्थापित कर देगा, यानी आपका जो आपका H2 है बच्चों, H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस, वो अलग हो जाएगी और यहाँ पर क्या जाएगा, ZN रहेगा, यानी ZNSO4 बनेगा, ZNSO4 बनेगा। तो देखिए ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बच्चों ZN का जो इलेक्ट्रोड विभव है देखो कितना है, 0.76 है, यानी माइनस का, यानी जीरो से कम है। तो जिन धातुओं का मानक इलेक्ट्रोड विभव शून्य से कम होता है, जीरो से कम होता है, तो वे धातुएं क्या करती हैं, अम्लों से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती हैं। ये इसका दूसरा लक्षण है। चलिए आपको मैं लिख कर दिखाता हूँ, जिन धातुओं का ई नोट मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव शून्य से कम है बे धातुएं अम्लों से H2 गैस विस्थापित कर देती हैं। तो मैंने क्या कहा कि जिन धातुओं का इलेक्ट्रोड विभव जीरो से कम है, तो जिंक के लिए मैंने आपको समझाया, जिंक का क्या माइनस के 0.76 वोल्ट है, तो जीरो से तो बहुत कम है। ठीक है, तो ये क्या करेगी बच्चों, जैसे अम्ल कहते हैं मैंने, ये एक एसिड है, तो क्या करेगी ये ZN इस H2 को कर देगी, यहाँ से विस्थापित कर देगी और खुद इसी जगह आ जाएगी, और ये एक आपकी विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण भी है स्टैंड। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए स्टैंड तीसरा जो इसकी प्रॉपर्टी है बच्चों, ये है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ये तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु ऊपर है, उससे नीचे जैसे हम नीचे आएंगे तो इनकी सक्रियता यानी क्रियाशीलता घटती चली जाएगी, है ना। जैसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे की ओर बढ़ते हैं तो इनकी क्रियाशीलता लगातार घटती है। ठीक है, तो बच्चों अगर हम बात करें विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे चलने पर ऊपर वाली धातु ठीक है, किसी नीचे वाली धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। चलिए समझाता हूँ, एग्जाम्पल देखें एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 3 के लिए बात बता रहा हूँ मैं, प्रॉपर्टी नंबर या 3 लिखेंगे पहले, इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। क्या एग्जाम्पल देखिए स्टैंड, देखिए जैसे स्टैंड मान लीजिए आपका लिखा ZN, क्या लिखा बेटो ZN, ठीक है, और मैं लिखा Fe SO4। ठीक है, अच्छा अभी रिएक्शन जब होगी बच्चों, तो पहले नोटिस करिए ZN और Fe को देखिए, तो ZN कहाँ देखो ऊपर है, Fe क्या नीचे है, ZN ऊपर है, Fe नीचे है। ठीक है, तो ZN जो ज़्यादा क्रियाशील है, Fe कम क्रियाशील है, तो ये जो ZN है जिंक है, ठीक है, इस Fe को यहाँ से कर देगी, विस्थापित कर देगी और खुद इसकी आ जाएगी, तो Fe बच्चों अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों Fe हो जाएगा। ठीक है, और ये बनेगा आपका ZnSO4, क्या हो जाएगा बच्चों ZnSO4, यानी आपका जिंक सल्फेट बन जाएगा।
बस में आप लोगों को, तो मैं यही कह रहा था कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को उसके लवण से क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूँ। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर वाली धातु अपने से नीचे, जैसे जेड एन पर एफ ही नीचे, ठीक है, अपने से नीचे वाली धातु को उसके लवण से विस्थापित कर देती है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर वाली धातु, ठीक है, अपने से नीचे वाली धातु को उसके लवण से क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। अच्छा, अभी अगर इस रिएक्शन को आप ऐसे देख पाओ, मान लीजिए हमने ए जी ले लिया, ठीक है, अभी तो हमने इसके लिए बात समझे आपको। अगर मान लो भाई हमने ए जी लिया, क्या लिया बच्चों, हमने ए जी एन सिल्वर से रिएक्शन कराई, किसकी, इसी एफ ई एस ओ फोर से, एफ ई एस ओ फोर से रिएक्शन कराएंगे बच्चों, तो ये अभिक्रिया नहीं होगी, यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं, क्योंकि बच्चों ए जी जो सिल्वर जो है, यानी जो चांदी है, ठीक है, वो आयरन से यानी लोहे से कम क्रियाशील है, बहुत कम क्रियाशील है उसकी तुलना में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से ये विस्थापित नहीं कर पाती है, क्योंकि देखो ये नीचे है और वो ऊपर, तो ये ज़्यादा क्रियाशील है तो ये कम क्रियाशील है, बस मिले आप लोगों को। तो कम क्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण से विस्थापित नहीं कर पाती है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर देखो जेड एन ऊपर था, एफ ई नीचे था, तो ये कैसे पॉसिबल, तो जेड एन एफ ई को प्रतिस्थापित कर सकता है, जेड एन एफ ई को प्रतिस्थापित कर सकता है, जबकि जो आपका सिल्वर है, ठीक है, ये आपका प्लेटिनम है, ये आपका जो गोल्ड है, ये ऐसा नहीं कर पाएगा स्टैंड। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 होगी स्टैंड, और प्रॉपर्टी नंबर बच्चों 4 ये है, प्रॉपर्टी नंबर 4 बच्चों ये है, देखिए स्टैंड, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे चलने पर धातुओं का धन विद्युतीय लक्षण घटता है। कहने का मतलब क्या, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कुछ धातुओं बच्चे ऐसी होती हैं जो सरलता से इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर आसानी से धनायन बना देती हैं, ठीक है, वो अधिक क्रियाशील धातुएँ होती हैं। ठीक है, बस में आप लोगों को। अब कुछ धातुएँ ऐसी होती हैं जो सरलता से इलेक्ट्रॉनों को नहीं त्यागती हैं, तो बहुत मुश्किल से त्यागती हैं, तब जाकर धनायन बनाती हैं, तो वो धातुएं क्या होती हैं, कम क्रियाशील होती हैं। तो ऊपर से अगर हम नीचे की ओर चलें, तो ये धातुएं ऐसी हैं जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं, बच्चों ये यहाँ से यहाँ तक देखें, ठीक है, ये धातुएं ऐसी हैं बच्चों जो बहुत ज़्यादा क्रियाशील हैं। ठीक है, बस में आप लोगों को, इससे अगर नीचे की बात करें तो ये बहुत कम क्रियाशील धातुएं, ये सरलता से धनायन बना लेती हैं, लेकिन ये जो सरलता से धनायन नहीं बना पाती हैं, जो कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे इस टाइम। ठीक है, बस में पकड़ो, तो धन विद्युत लक्षण क्या, ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, घट रहा है, ऊपर से नीचे क्या हो रहा है बच्चों, ये घटता है, क्योंकि ये सरलता से धनायन बनाती हैं, ये बहुत मुश्किल से बनाती हैं। ठीक है, तो धन विद्युत लक्षण क्या हो रहा है, घटता है, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है बच्चों, घटता है। यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी में, लिखता हूँ मैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर धन विद्युतीय लक्षण घटता है। तो ये चार प्रॉपर्टी बच्चों मैंने आपको बताई, प्रॉपर्टी नंबर ये 4 हो गई फ्रेंड। ठीक है, ये प्रॉपर्टी 4, ये प्रॉपर्टी नंबर 3, ये प्रॉपर्टी नंबर बच्चों 2 थी, और ये प्रॉपर्टी नंबर बच्चों 1 थी। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको अच्छे समझ में आया होगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बच्चों बेल आइकन का बटन जरूर दबाया करिए, ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से प्राप्त होता रहे स्टैंड। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर ले लीजिए, अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।